हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं अपनी अपार्टमेंट की बालकनी का एक मेकओवर। ये छोटा सा मेकओवर है क्योंकि सर्दियां भी आ चुकी हैं और त्यौहार आ रहे हैं और आजकल मिल रहे हैं बहुत ढेर सारे फ्लावर्स, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर लूँ फ्लावर का अपनी बालकनी में और बना लूँ कुछ DIY। और सफाई तो हो ही रही है इसलिए मैंने भी मेकओवर कर लिया है। और देखिए, मैं माली दादा को लेके आई हूँ और इनके से मैंने ख़रीदे हैं कुछ प्लांट्स, और क्योंकि बालकनी छोटी है तो ज़्यादा फ्लावर रख नहीं सकते हैं। उनके सब कुछ सेट करने के बाद मैंने अब करी है सफाई। और ये देखिए, दो सिलेंडर मेरे यहीं पे रहते हैं, इनको भी मुझे यहीं पे एडजस्ट करना है क्योंकि सर्दियों में गीज़र वगैरह के लिए चाहिए होते हैं। इसके बाद मैंने वॉल पे करी है सफाई अच्छे से। और जब मेकओवर की बात हो तो सबसे पहले प्लांटर्स में करनी पड़ती है पेंट, तो मैंने टेराकोटा पेंट को चुना है और DIY बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो पहले DIY में मैंने सिंपल सी ये फ्री हैंड्स पेंटिंग की है। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, आप बस सोचते जाइए और बना दीजिए। और कलर मैंने ज़्यादा नहीं चुना, वाइट ही लिया क्योंकि ये टेराकोटा पे वाइट ही कलर सूट करता है। इसलिए आप बताइए आपको ये कैसी लग रही है। और इसको बनाने के बाद मैंने बनाया है DIY एक और, ये है DIY बॉटल्स का। ये प्लास्टिक का मैंने रीयूज़ किया है। और इनके सबसे पहले मैंने निकाले हैं कवर, और कवर निकालने के बाद मैं इसमें बनाऊंगी एक चौकोर डिज़ाइन और इसको कट करूंगी सीज़र या नाइफ की हेल्प से। पहले मैंने सीज़र यूज़ किया है और देखिए इस तरह से मैंने इसको कट लगा लिया। और उसके बाद आप इसमें एक होल सा बन जाएगा और बस ये प्लांटर तैयार हो गया है। इस जी हाँ, मैं बना रही हूँ प्लांटर। अब इसमें करना है वाइट पेंट, जो भी आपको पसंद हो। मैंने वाइट के दो कोट किए हैं और इसमें भी मैंने पेंटिंग की है फ्री हैंड, जो मुझे समझ में आ रही थी वही। फ्री हैंड का मतलब जो मन में आए वो आप पेंट कर दीजिए, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। रैंडमली जो आपके माइंड में आता है मैं उसी को पेंट कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने पेंट किया है और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इस मैंने नेक्स्ट जो DIY किया है, ये पेंट के डब्बे थे, इन्हीं में पेंट के डब्बों में मैंने प्लांट्स लगाए हैं। अब इनका DIY कर रही हूँ। इसके लिए मैंने इसमें वाइट सिंपल एक्रिलिक कलर लगाया और यही कलर इसमें लग रहा था, तो इसके दो कोट करने के बाद ऐसा लग रहा है ये। अब मैं इसको ना फ्री हैंड से ही इसमें भी पेंटिंग कर रही हूँ। इसमें मैंने तीन तरह के ड्राइंग बनाई, एक में बनाया ये स्वीट हार्ट, एक में पोल्का डॉट्स डाले हैं और एक में वॉल का स्ट्रक्चर बनाया है। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। नेक्स्ट DIY मैंने ये झरोखा बनाया है। झरोखे बनाने के लिए मैंने इस तरह से पेपर में डिज़ाइन बना लिया और कार्डबोर्ड के जो डब्बे आते हैं उसमें इसको चिपका के कलर कर दिया था। और इन कलर को करने के बाद जब ये सूख गया तो इसमें अच्छे से बेल बूटे बना लिए। और ये मैंने तीन बनाए हैं, ये एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का बनाया है। ये एक वुडन कॉर्नर रैक है और इसको मैं पॉलिश करके इसमें भी मैं अपने प्लांटर्स को रखने वाली हूँ। तो एक कोट मैंने अच्छे से इसमें वार्निश कर दी और सूखने के बाद ये कुछ इसका इस तरह से लुक आया। और ये बेहद ही कार्विंग वाली रैक है। तो नेक्स्ट DIY जो मैं बना रही हूँ, ये एक प्लास्टिक बोतल का ही बना रही हूँ। इसमें मैं प्लास्टिक बोतल को बीच से कट कर लूँगी और थोड़ा सा इसका पीछे का भाग छोड़ देंगे 2 इंच के हिसाब से, और उसको ऊपर की तरफ कट कर लेंगे दोनों का, और फिर चारों तरफ से उसको कट करके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे। अब इसकी कैप को फोल्ड करके पीछे की तरफ लेंगे और निशान लगाएंगे, वहाँ पर एक राउंड शेप में कट कर लेंगे ताकि बोतल का जो कैप है वो अंदर की तरफ फिक्स हो जाए और फिर हम उसको इस तरह से मोड़ लें और ये एक प्लांटर, हैंगिंग प्लांटर बन जाएगा। आप चाहे तो इसको इसी तरह से लगा सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा इसके किनारे कट किए हैं और इनमें किया है पेंट। तो ये मैंने 3-4 बना लिए थे, ये बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं, इसमें भी आप पेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्रिएटिव काम करने के बाद आपको बहुत ही खुशी मिलती है। और ये देखिए, ये इस तरह का कलर आया है और दूसरे में मैंने इस तरह से पेंट कर लिया है। सभी को मैंने पेंट करने के बाद सुखा दिया था और ये यूज़ कर रही हूँ तो इसमें से अभी तक पेंट नहीं निकला है। तो आप मार्केट से ये चीप एंड बेस्ट पड़ते हैं
और आप इनको रीयूज़ करते रहिए, बदलते रहिए। तो ये इस तरह से आप, मैंने ढेर सारे प्लांटर बना लिए हैं और अब मैं करने जा रही हूँ इसमें प्लांटेशन। तो इस तरह डोरी बांध के मैंने एक ये हैंगिंग बना लिए हैं और ये है मेरे कुछ प्लांट्स, इनको मैं इसमें लगाऊंगी और देखते हैं ये कैसे लगते हैं। इनमें मैंने कर लिए हैं होल और इसके बाद मैंने बांध दिए इनमें रस्सियाँ ताकि ये लटका सकूँ मैं आराम से। और इन हैंगिंग प्लांटर्स को प्लांट करने के लिए पहले इनको मैंने खोल लिया था, उसके बाद इन्हें खाली ही मैंने हैंग किया और इसके बाद इसमें मैंने मिट्टी भरी और मिट्टी भरने के बाद इसमें मैंने लगाए हैं प्लांट्स। एक में मैंने मनी प्लांट लगाया है तो आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अगर ये अच्छे लगेंगे तो मैं ऐसे और आगे बना के और लगाऊंगी। तो लगने के बाद मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे और आप बताइए आपको कैसे लगे। मैंने जो नेक्स्ट DIY बनाया ये है सिलेंडरों का कवर। इसके लिए मैंने ये रजाई का कवर को रीयूज़ किया है, ये मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ पर ये सुंदर है। और साथ ही ये फॉर्म लिए हैं, इनसे मैं इसका कवर बनाऊंगी क्योंकि ये बाहर ही रहते हैं और मैं इनको हटा नहीं सकती हूँ। इसलिए पहले मैं इनका मेज़रमेंट कर ले रही हूँ और मेज़रमेंट करने के बाद मैं इनके दो कवर बनाऊंगी। और इस तरह से पहला कवर बन गया है, सेकेंड कवर मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाना है। ये 1 मीटर का कपड़ा हम स्कर्ट नीचे की तरह बनाने के लिए यूज़ करेंगे, ऊपर से 2 इंच हम स्पेस छोड़ देंगे और बनाएंगे कच्चा करते चले जाएंगे एक कोने से दूसरे कोने में। और जो नीचे वो एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा देखिए आप रखा है वो बना के रखा है, मैं बताती हूँ कैसे बनाया। इस तरह से इसको चारों तरफ सिल लेंगे और स्लैंटिंग सिलाई करेंगे, अंदर फोम भर लेंगे और उस फोम की सीट को जो है हम अच्छे से दबा के हम इसमें ये करीब 8 इंच का जो पीस है हम इसको सिल लेंगे। और एक बार ये सिक्योर हो जाएगा तो हम किनारे से कपड़ा थोड़ा काट के पलट लेंगे और नेफा बनाएंगे ताकि हम नाड़े को डाल सकें। और नीचे की तरफ जो हमने ये 1 मीटर की स्कर्ट ली थी इसमें चुन्नटों को खींच लेंगे और उसके बाद हम इन चुन्नटों को इसमें प्लेस कर देंगे। देखिए किस तरह से, इस तरह से हम इन चुन्नटों को प्लेस कर देंगे और प्लेस करने के बाद इनको अच्छे से सिल लेंगे और साइड में से भी किनारे के कपड़े को हम फोल्ड करके सिलेंगे और 2 फीते होते हैं ना बांधने वाले वो हम लगा लेंगे और ताकि हम पीछे से सिलेंडर को बांध सकें। इसे हम ओपन ही रखेंगे और ऊपर से नाड़े से हम इसका को बांधेंगे ताकि वो एक अच्छे से सिक्योर तरीके से बंध जाए। और अब मैंने बनाया एक और नया DIY, ये मैंने बनाया है आम की या सेब की जो पेटियाँ आती हैं उनसे बनाया है। ये 20 रुपीज़ की पेटी मिल जाती है ईच और इसमें से मैंने 4 फट्टे ले लिए हैं। इनमें मैं पहले वाइट कलर करूँगी और पूरे में वाइट कलर करने के बाद मैं इसके ऊपर रेड कलर कर रही हूँ, वाइट कलर बेस है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें रेड के अलावा ग्रीन, येलो और ब्लू कलर भी किया है ताकि इसमें एक अच्छा सा लुक आ जाए। और जब ये आ जाएगा तो मैंने कुछ बर्ड्स की ये पेंटिंग हाथ से ही कर ली थी, मतलब स्केच कर लिया था, उसके बाद इनको कटिंग कर ली और कट करने के बाद इसको इस तरह से प्लेस करके रखा है। आप चाहिए तो इसको भी ऐसे ही चिपका दीजिए पर मैं इनको बस शेप के लिए लिया है। उसके बाद मैं इनमें इनका शेप ड्रॉ करने के बाद अब मैं इनमें करूँगी अच्छे से वाइट कलर से पेंट। और ये इस तरह का एक DIY बहुत ही सस्ता बन जाता है, बस आप थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचें तो क्या नहीं हो सकता। तो ये मुझे लगता है ये एक चीप एंड बेस्ट वाला ऑप्शन है। और इसके बाद अब आ गई है सारी चीज़ों को एक के साथ एक प्लेस करने की बारी। तो ये मैं मॉर्निंग में शुरू कर रही हूँ, ये है मॉर्निंग का टाइम, 5 बज रहे हैं और आज मैंने सोचा है कि अर्ली मॉर्निंग मैं सफाई करूंगी और प्लांटर्स को पहले हटाऊंगी, सारे के सारे प्लांट्स मैं हटा दे रही हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से सफाई करूंगी और मैं जो विंडो की ग्लास वगैरह है वहाँ भी साफ़ करूंगी, मैंने कर दिया था गीले कपड़े से, जाली वाले दरवाजे भी मैंने साफ़ कर लिए थे। और अब मैं करने जा रही हूँ सफाई, ये 6 बजे का टाइम है। और सबसे पहले मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया, मैंने सोचा थोड़ा उजाला हो जाए तो फिर मैं उसके बाद ही थोड़ा काम करूँगी ताकि झाड़ू अच्छे से लग जाए। उसके बाद मैंने बाथरूम क्लीनर से अच्छे से बालकनी को रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया और 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, जब ये धूल अच्छे से इसकी धुलाई करी, धुलाई करने के बाद कुछ चीज़ें प्लेस करी, ये देखिए बालकनी बिल्कुल साफ़ हो गई। और मॉर्निंग में कुछ इस तरह से जब धूप आती है तो इतना खूबसूरत लगता है मेरा ये बोगनवेलिया जब इसमें धूप पड़ती है।
और ये मैंने लिए हैं मीशो से कुछ प्लांटर, ये 15 प्लांटर्स हैं जो 292 रुपीस के आए हैं, इन्हें भी मैं प्लेस करूँगी। साथ ही मैंने सिलेंडर को इस तरह से कवर कर दिया है, ये दोनों कवर लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और मैं धीरे धीरे सामान अपना प्लेस करते जा रही हूँ। और ये जो मैंने वॉल के लिए बनाई है पेंटिंग, आप बताइए कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने इस तरह से इसको हैंग कर दिया है सामने, और ये ट्रायंगल में मैंने इन पॉटों को रखा है तो, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि आने वाले समय में इनकी बेलें नीचे को लटकने लगेगी। इसके बाद मैंने बोगेनवेलिया को इसके नीचे प्लेस कर दिया था, और ये ऊपर मैंने इसके बाद लगाए वो 3 झरोखे और जिनको मैं आने वाले समय में डेकोर करूँगी। ये मैंने मीशो से हैंगिंग बेल ली है, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने ही बनाया है DIY। और ये प्लांट्स और मैंने इस तरह से सकलेंट इस कॉर्नर रैक में प्लेस किए हैं। और ये एक DIY और बनाया था, इसमें मैंने कुल्हड़ों को जस्ट टेराकोटा पेंट से पेंट करने के बाद इस बॉक्स में रख दिया, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इस तरह से एक के बाद एक मैंने सारे सामान रख लिया, और ये लगने के बाद बहुत अच्छे लगे क्योंकि बालकनी छोटी सी है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ प्लेस नहीं कर सकती थी, लेकिन और सेम टाइम में मुझे चलने के लिए वॉक करने के लिए जगह भी चाहिए थी, तो इस तरह से मैंने थोड़ा स्पेशियस रख के इन चीज़ों को डेकोर कर दिया है ताकि मेरी बालकनी में एक नया सा लुक आ जाए। और आगे भी मैं कुछ ना कुछ इसमें ऐड करती ही रहूँगी। तो प्लांट्स तो मैं अभी और लाऊंगी। और ये देखिए इस तरह के मैंने ये पॉट बनाए हैं, इसमें पेंट किया है, आप बताइएगा आपको ये कैसे लगे। और ये लगने के बाद ना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। इसी तरह मैंने और भी प्लांट लगा दिए थे इन प्लांटर्स में, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और आप बताइएगा आपको मेरा ये बालकनी का छोटा सा मेकओवर कैसा लगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि फ्रेंड्स आपके ही एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स जैसा भी आपको लगा हो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बालकनी स्मॉल है और मैं इसमें चल फिर सकूं और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर सके, इसके लिए मुझे स्पेस भी छोड़ना था, और ज़्यादा हॉच पॉच मैं कर नहीं सकती थी तो, लेकिन जितना भी मैंने किया वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये सिलेंडर के कवर आपको कैसे लगे ये भी आप बताइएगा, मुझे तो ये बहुत पसंद आए और एक डेकोरेटिव पीस की तरह ये लग रहे हैं। और साइड पे मैंने 2 स्टूल और एक टेबल रख लिया है जहाँ मैं बैठ के चाय का इंजॉय कर सकती हूँ मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो दोस्तों आज मैं इसी बालकनी से आपसे विदा ले रही हूँ, मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।